इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है बीजेपी की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद 27 साल की उम्र में राजनीति में आ गए थे। ये बहुत बड़ा झटका यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस को लगा है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार बिसात बिछा रही थी 2022 के लिए। उससे पहले ही प्रियंका गांधी के बहुत करीब रहने वाले नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी के ट्वीट से कयासों का दौर चला था। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बुधवार सुबह एक ट्वीट किया और कांग्रेस और बीजेपी में खलबली मच गई। ये ट्वीट था, आज एक दिग्गज शख्सियत दोपहर 1 बजे भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल होगा। भाजपा नेता के इस ट्वीट के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब कयासों पर से पर्दा उठ चुका है। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कयास जितिन प्रसाद की तरफ से इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि प्रसाद ने 5 जून को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बधाई दी थी। आपको बता दूं कि इससे पहले जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच चुके थे, यानी कि ये पहले से डिसाइडेड था और ट्वीट से ये पूरी तरह से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा था और आखिरकार हुआ वही जिसकी आशंका थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी लगातार प्रियंका गांधी के ऊपर पूरा भरोसा किया गया कि यूपी में प्रियंका गांधी एक बार फिर से कांग्रेस को जमीन दिला पाएंगी, लेकिन उनके करीबी रहे जितिन प्रसाद अगर बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब कांग्रेस की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। बेहद कम समय बचा है, सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या अन्य दल हो। कांग्रेस भी यही सोच रही थी कि 2022 में कांग्रेस एक ऐसा चमत्कार करेगी कि कांग्रेस अपने दम पर यहां पर सत्ता बिछा पाएगी, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा जो विकेट था वो कांग्रेस से गिर गया है, यानी वो दूसरे पाले में चला गया है, वो पाला है बीजेपी का। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है।